हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का रिजल्ट आउट हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट देखने के बाद जैसा लग रहा कि विश्वास नहीं हो रहा कितना ज़्यादा हाई कट ऑफ चली गई है। आप लोग देख सकते हैं दिनांक 7 अगस्त 2024, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग के सहायक परिचालक के रिक्त 1374 पदों पर सीधी भर्ती 2022 की विज्ञप्ति दिनांकित 6/1/2022 से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ऑनलाइन परीक्षा 1/2/2024 से 8/2/2024 तक कुल 16 पालियों में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, ये मतलब फरवरी में एग्ज़ाम आपका हुआ था, एक सप्ताह चला था एग्ज़ाम, मतलब 8 दिन और 2-2 पालियों में एग्ज़ाम आपका, 16 पालियों में आपका एग्ज़ाम हुआ था। और रिजल्ट यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ ये गई है, क्रमांक है लंबवत श्रेणी, ये फ्रेशर के लिए आरक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये आप देख सकते हैं कट ऑफ 358 गई है जनरल के लिए, EWS के लिए गई है 343 और OBC के लिए 350 और अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 333, ST के लिए 312 और ये आपका जो ये आप लोग देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, इतनी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे गई है। बाकी ये फीमेल्स का कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं 341 जनरल कट ऑफ यहाँ पे गई है और EWS में 321 है, OBC में 333 और SC में 312, 281 अनुसूचित जाति यानी कि ST में है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली है, आप लोग देख सकते हैं। आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पे आपका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, उसके अनुसार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट, ठीक है। ये रेडियो ऑपरेटर का है, यहाँ पे जो टोटल मतलब 1374 पोस्ट हैं और जो यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाई किए हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं लगभग यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं 4216, यानी कि ये आपका फाइनल कट ऑफ नहीं है, जो 358 कट ऑफ गई है जनरल का, इसमें आप ये मांग के चल सकते हैं कि 10 प्लस रहेगा आपका, यानी कि 370 के ऊपर ही आपकी फाइनल कट ऑफ यहाँ पर लगने वाले, क्योंकि अभी इसमें फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, हर एक चीज़ इसमें होगा। तो अभी शुरुआत ये है, फर्स्ट ये कट ऑफ आई है, तो अभी इसमें कट ऑफ आपका 8 से 10 नंबर, 12 नंबर भी बढ़ सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, 15 नंबर भी बढ़ जाएँ, तो इसमें आप अब हम क्या बताएँ। और चलिए आप देखते हैं वर्कशॉप का, और ये दोस्तों आपका जो कि वर्कशॉप स्टाफ का है, ठीक है, 120 पोस्ट यहाँ पे है। इसका भी एग्ज़ाम आपका 29 जनवरी से लेके और 30 मतलब 2 दिन तक, 29 और 30 जनवरी का आपका एग्ज़ाम हुआ था, 3 पाली में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और इसमें जो कट ऑफ गई आप लोग देख सकते हैं, जनरल का है 352 गई है, EWS का 346 है, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS का 347 है, 328 SC का है, 303 अनुसूचित जाति का है, वहाँ फीमेल्स का देख लीजिए, 336 जनरल EWS का, 331 है और OBC का 327, 307 है आपका SC का है, ठीक है। इसमें जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं 370, यानी कि 120 पोस्ट है और 370 लोगों का कट ऑफ यहाँ पे, यानी फिजिकल के लिए यहाँ पे इनको जाना पड़ेगा। इसमें भी कट ऑफ 8 से 10 नंबर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मतलब अभी फाइनल कट ऑफ ये नहीं है, फाइनल कट ऑफ 8 से 10 नंबर आप लोग मान के चलिए, 10 प्लस नंबर मान के चलिएगा, इससे कम नहीं पाएगा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ, मतलब क्या कोई उम्मीद करेगा। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, अब इसमें भी ऐसा कंपटीशन, मतलब कंपटीशन तो बढ़ ही गया है, इसमें दो राय नहीं, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आप ये मान के चलिए जो UPP का एग्ज़ाम है, इसमें 50 लाख अभ्यर्थी जो कि फॉर्म भरे हैं, इसमें भी 100 प्लस, यानी कि 110 प्लस मांग के चलेगा, 110 प्लस, इसके अनुसार जो कट ऑफ यहाँ पे बनाई गई है इतनी हाई, तो इसके अनुसार कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसको भी आप 110 प्लस मांग के चलेगा, ठीक है।